नमस्कार, हिमाचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। पेश है आज के समाचार। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज मंडी जिला के धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र में 381 करोड़ रुपए की 96 विकासात्मक परियोजनाओं के लोकार्पण एवं शिलान्यास किए। इस अवसर पर लोगों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार समाज के प्रत्येक वर्ग के कल्याण और राज्य के प्रत्येक क्षेत्र का चहुंमुखी विकास सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि कोविड-19 महामारी ने विश्व अर्थव्यवस्था को बुरी तरह से झकझोर दिया है और हिमाचल भी इसका अपवाद नहीं है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय नेतृत्व और राज्य सरकार के सामायिक निर्णयों तथा लोगों की सक्रिय सहभागिता से देश और प्रदेश इस स्थिति से बेहतरीन ढंग से निपटने में सक्षम रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि महामारी के बावजूद उन्होंने राज्य के 42 विधानसभा क्षेत्रों में लगभग 4,500 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। श्री जयराम ठाकुर ने कहा, विधानसभा चाहे कोई भी हो, हिमाचल प्रदेश का जहां भी जाता हो, जल शक्ति विभाग के एक नहीं अनेकों उद्घाटन और शिलान्यास करने का अवसर मिलता है। पहले 4 करोड़ की 5 करोड़ की योजना होती थी, अब जहां भी जाता हूं, जिस विधानसभा क्षेत्र में जाता हूं, 40 करोड़ 50 करोड़ रुपए 60 करोड़ रुपए के उद्घाटन और शिलान्यास वहां पर हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? इसलिए हो रहे हैं, जहां आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जल जीवन मिशन के अंतर्गत तय किया, हर भारतवासी को शुद्ध पेयजल मिलना चाहिए, घर के नजदीक नहीं घर के अंदर मिलना चाहिए, उस बात के लिए हिमाचल प्रदेश ने भी उसमें काम किया। और इस विभाग में काम करते हुए मुझे इस बात की प्रसन्नता है, पूरे भारत में जल जीवन मिशन में हिमाचल पहले स्थान पर आगे चल रहा है, पहले स्थान पर। हर घर को जल से जोड़ने, नल से जोड़ने का हमारा काम बहुत सारे जिलों में पूरा हो गया और आने वाले समय में हम इस लक्ष्य को हासिल करने वाले, मैं कह सकता हूं शायद हिमाचल प्रदेश पहला स्थान हासिल करेगा जब हमारा ये लक्ष्य पूरा होगा, हर घर को नल और नल में शुद्ध जल। इसके लिए हम प्रयत्न कर रहे हैं। 27 दिसंबर महत्वपूर्ण दिन हमारे लिए, जहां हमारी सरकार भारतीय जनता पार्टी की हिमाचल प्रदेश में 4 साल पहले बनी थी और हम आपकी 4 साल के इस कार्यकाल के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन किए हैं कि आप आइए हमको शुभकामना देने के लिए, क्योंकि हम चुनावी वर्ष में भी प्रवेश कर रहे हैं। आप देवभूमि हिमाचल में आपका अभिनंदन है, स्वागत है। बहुत सारी योजना यहाँ उद्घाटन और शिलान्यास के लिए तैयार है, उनका भी शिलान्यास और उद्घाटन आप करें और उसके साथ साथ देवभूमि हिमाचल प्रदेश को आप भी अपना आशीर्वाद दें, जहाँ देवी देवताओं का आशीर्वाद हम लोग के ऊपर है, आपका भी आशीर्वाद बहुत। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि 4 साल के इस कार्यकाल में 2 साल भले ही संकट में गुजरे, लेकिन उसके बावजूद भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लगातार हमको मदद की, लगातार हमको सहयोग दिया। संकट के क्षण में कोई भी बात होती थी, कोविड के तो दिया ही दिया, कोविड के दौरान में हमारी मदद करने के लिए सहारा हमको, और उसके पश्चात जहां थोड़ी भी घटना होती, चाहे बाढ़ आ गई, नुकसान हो गया, उसमें भी प्रधानमंत्री जी हमारे हिमाचल प्रदेश को सदैव सहयोग देते थे। लेकिन हमने हिमाचल प्रदेश में जो काम किया, जो दिखाई भले नहीं देता होगा, कम दिखता होगा, लेकिन गरीब आदमी को मदद करने का रास्ता ढूंढा है, ये अंतर है सोच और समझ। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सुरक्षित है और पड़ोसी देशों के किसी भी शरारतपूर्ण कदम का मुंहतोड़ जवाब देने में पूरी तरह से सक्षम है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के सक्षम नेतृत्व एवं राजनीतिक इच्छा शक्ति के कारण ही धारा 370 का निरसन और अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण संभव हुआ है। उन्होंने इस अवसर पर धर्मपुर में लोक निर्माण विभाग का वृत्त कार्यालय, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मंडप को स्तरोन्नत कर 50 बिस्तर का अस्पताल बनाने, सियोह में स्थित पशु औषधालय को स्तरोन्नत कर पशु अस्पताल बनाने, दराबा में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने, बनेरड़ी में पशु औषधालय खोलने, धर्मपुर से दिल्ली तक वॉल्वो बस सेवा आरंभ करने, क्षेत्र के 3 अन्य प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को स्तरोन्नत कर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का दर्जा देने और क्षेत्र की 2 राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं में विज्ञान संकाय की कक्षाएं आरंभ करने की घोषणा की।
श्री जयराम ठाकुर ने संधोल और तनिहार में हेलीपैड का निर्माण, धर्मपुर स्थित क्षेत्रीय प्रबंधक कार्यालय भवन की मरम्मत के लिए 10 लाख रुपए, क्षेत्र की 4 सड़कों के लिए 10 लाख रुपए प्रत्येक और धर्मपुर बस अड्डे पर इंटरलॉकिंग टाइल्स के लिए 15 लाख रुपए प्रदान करने की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर के सर्वस्पर्शी नेतृत्व में प्रदेश सरकार समाज के प्रत्येक वर्ग के उत्थान के लिए कृतसंकल्प है। राज्य सरकार ने अन्य वर्गों के साथ प्रदेश के कर्मचारी वर्ग के हितों का भी पूरा ध्यान रखा है। हाल ही में प्रदेश अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के साथ शिमला में आयोजित संयुक्त सलाहकार समिति की बैठक में मुख्यमंत्री ने कर्मचारी हित में लगभग 6000 करोड़ रुपए से अधिक वित्तीय लाभ प्रदान करने की घोषणाएं की और प्रदेश के विकास में कर्मचारियों के उल्लेखनीय योगदान की भी सराहना की। बैठक में लिए गए निर्णयों पर प्रस्तुत है ये रिपोर्ट। हिमाचल सरकार ने की नए वेतनमान की घोषणा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर राज्य के कर्मचारियों की जरूरतों को भली भांति समझते हैं और उनका परिवार की तरह पूरा ख्याल रखते हैं। कुछ ऐसा ही देखने को मिला राज्य के अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ की संयुक्त सलाहकार समिति बैठक में। यहां मुख्यमंत्री ने 1 जनवरी 2016 से नया वेतनमान लागू करने का ऐलान किया। साथ ही जनवरी 2022 का वेतन संशोधित वेतनमान के अनुसार फरवरी 2022 में देने की घोषणा की। राज्य के रिटायर कर्मचारी भी इस लाभ के दायरे में आएंगे। पेंशन भोगियों को संशोधित वेतनमान और संशोधित पेंशन पर महंगाई भत्ता और महंगाई राहत प्रदान की जाएगी। नए वेतनमान और संशोधित पेंशन से राज्य के कोष पर सालाना 6000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। एनपीएस के तहत कर्मचारियों के लिए 5 मई 2009 तक की फैमिली पेंशन 15 मई 2003 से देने की घोषणा की है। सरकार ने अनुबंध पर रखे कर्मचारियों को भी बड़ी राहत दी है। अब ये कर्मचारी 3 साल के बजाय अब 2 साल में ही नियमित किए जाएंगे। सीएम ने ऐलान किया कि दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों, अंशकालिक कामगारों, जल रक्षकों और जल वाहकों आदि के संबंध में नियमित करने और दैनिक वेतन भोगी के रूप में नियुक्ति के लिए भी 1-1 वर्ष की अवधि कम की जाएगी। करुणामूलक आधार पर नियुक्ति के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जाएगी। यह समिति कैबिनेट की आगामी बैठक में अपनी प्रस्तुति देगी। मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार के कर्मचारियों की मुक्त कंठ से सराहना की। कर्मचारियों के परिश्रम, समर्पण और प्रतिबद्धता के कारण ही हिमाचल आज देश के अन्य राज्यों के लिए एक आदर्श के रूप में उभरा है। कर्मचारियों ने कोरोना महामारी से लड़ने में अहम भूमिका निभाई है, तभी यह राज्य इस संकट से बाहर निकलने में सफल रहा है। हिमाचल सरकार, हर एक का ख्याल। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार हिमाचल प्रदेश को देश का सबसे पसंदीदा पर्यटन गंतव्य बनाने के लिए कृतसंकल्प है और इसके लिए प्रदेश में पर्यटन आधारभूत संरचना को और सुदृढ़ करते हुए सैलानियों को विश्व स्तरीय सुविधाएं प्रदान करने के लिए ठोस कदम उठाए गए हैं। वह आज मनाली में जी पंजाब हरियाणा हिमाचल द्वारा आयोजित मनाली टूरिज्म कॉन्क्लेव को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड महामारी के दौर में पर्यटन उद्योग पर सबसे अधिक विपरीत प्रभाव पड़ा है। इस महामारी के दौर में सरकार का मुख्य ध्येय इस उद्योग को बचाना था और अब पर्यटन उद्योग के पुनरुत्थान पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सकल घरेलू उत्पाद में पर्यटन क्षेत्र का योगदान 7.3% है। यह क्षेत्र स्थानीय युवाओं को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष तौर पर रोजगार उपलब्ध करवाने के साथ साथ युवाओं को स्वरोजगार का अवसर भी प्रदान करता है। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार ने राज्य के अनछुए पर्यटन गंतव्य में सैलानियों को आकर्षित करने के लिए एक नई योजना, नई राहें नई मंजिलें आरम्भ की है। इस योजना के तहत गत 4 वर्षों में लगभग 200 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। उन्होंने कहा कि इस योजना के अंतर्गत कांगड़ा जिला के बिलिंग को पैराग्लाइडिंग और साहसिक खेलों के गंतव्य के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसी प्रकार शिमला जिला के चांशल को शीतकालीन खेलों, मंडी जिला के जंजहैली को इको पर्यटन और कांगड़ा जिला के पोंग डैम को जल क्रीड़ा गंतव्य के रूप में विकसित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार एशियन विकास बैंक से राज्य के लिए 2095 करोड़ रुपए की पर्यटन परियोजना स्वीकृत करवाने में सफल रही है।
इस परियोजना के अंतर्गत लगभग 700 करोड़ रुपए के कार्यों की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने की प्रक्रिया जारी है। उन्होंने कहा कि मंडी में स्थापित किया जा रहा शिवधाम प्रदेश में आने वाले सैलानियों के लिए आकर्षण का एक प्रमुख केंद्र होगा। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में हवाई सेवाओं को सुदृढ़ करने की दिशा में कार्य कर रही है। मंडी जिला के नागचला में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का निर्माण करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस हवाई अड्डे के निर्माण के लिए वित्त आयोग ने 1,000 करोड़ रुपए की अनुशंसा की है और इसके तैयार हो जाने पर राज्य में न केवल पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा बल्कि इसका सामरिक महत्व भी है। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने गत देर साय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल शिमला के पुरस्कार समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार भाषा, कला एवं संस्कृति के संरक्षण पर निरंतर बल दे रही है और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए फिल्में श्रेष्ठ विकल्पों में से एक हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने राज्य में फिल्म शूटिंग को प्रोत्साहित करने के लिए अपनी फिल्म नीति तैयार की है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने हिमाचल प्रदेश में फिल्म सिटी स्थापित करने के लिए 100 करोड़ रुपए का समझौता ज्ञापन तैयार किया है ताकि फिल्म निर्माताओं को शूटिंग के लिए अनुकूल वातावरण मिल सके। फिल्म सिटी की स्थापना से देश व विश्व के फिल्म निर्माता हिमाचल में ही पूरी फिल्म की शूटिंग तथा निर्माण कर सकेंगे। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश के खूबसूरत स्थानों तथा यहाँ के अनुपम प्राकृतिक सौंदर्य के फलस्वरूप देश तथा विदेश के अनेक फिल्म निर्माताओं ने हिमाचल में अपनी फिल्मों की शूटिंग की है लेकिन प्रदेश अपना फिल्म उद्योग विकसित नहीं कर पाया। उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार प्रदेश के फिल्मों की शूटिंग के लिए निर्माताओं को हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने आशा जताई कि ऐसे फिल्म फेस्टिवल प्रदेश के निर्माताओं को भी फिल्म निर्माण के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए अवश्य प्रेरित करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिमला फिल्म फेस्टिवल जैसे आयोजन प्रदेश में फिल्म निर्माण से संबंधित सकारात्मक वातावरण सृजित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रदेश सरकार ऐसे आयोजनों के लिए अपना पूर्ण सहयोग प्रदान कर रही है। उन्होंने हर्ष व्यक्त किया कि फिल्म फेस्टिवल के दौरान मॉडल सेंट्रल जेल कंडा के बंदियों के लिए भी एक विशेष फिल्म प्रदर्शित की गई। श्री जयराम ठाकुर ने फिल्म फेस्टिवल के प्रतिभागियों, आयोजक हिमालयन वेलोसिटी, भाषा, कला एवं संस्कृति विभाग, फिल्म निर्देशकों, निर्माताओं तथा कलाकारों को अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल के 7वें संस्करण के सफल आयोजन के लिए बधाई दी। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर श्रेष्ठ फिल्मों, लघु फिल्मों तथा वृत्तचित्र को पुरस्कार भी प्रदान किए। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा दोपहर 2 बजे जारी बुलेटिन के अनुसार प्रदेश में कोरोना संक्रमण की जांच के लिए आज 277 लोगों के सैंपल लिए गए जिनमें से 24 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई है जबकि 252 लोगों की रिपोर्ट आना बाकी है। अभी तक 38,53,665 लोगों की जांच की जा चुकी है जिनमें से 36,26,404 सैंपल की जांच नेगेटिव पाई गई है। प्रदेश में कुल 2,27,800 लोगों में कोरोना वायरस के संक्रमण की पुष्टि हुई है जिनमें से 2,22,419 लोग इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं और 742 व्यक्ति उपचाराधीन है। हिमाचल बुलेटिन देखने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube चैनल IPR हिमाचल, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत, नमस्कार।